नमस्कार, एक बार फिर से राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको मार्बल केक बनाना सिखाएंगे। मार्बल केक को जेब्रा केक भी कहते हैं। मार्बल केक हम आपको बिना ओवन और बिना अंडे के बनाना सिखाएंगे। बिना ओवन और बिना अंडे के भी मार्बल केक एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनता है। तो चलिए मार्बल केक बनाने का आसान तरीका बताते हैं आप। मैदा मार्बल केक बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है। एक ग्लास मैदा, मैदे को हमने इसी ग्लास से नापा है, और इसी ग्लास से आधा ग्लास पिसा हुआ चीनी, आधा ग्लास दही, दूध आवश्यकता अनुसार, वनीला एसेंस अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें, आधा ग्लास कुकिंग ऑयल, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, दो बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, एक चम्मच कोको पाउडर। तो चलिए मैदा मार्बल केक बनाना शुरू करते हैं। अब हम सब एक सबसे पहले एक मिक्सिंग काउल लेंगे, उसमें ये जो रिफाइन ऑयल है हम उसको को ले लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे और इसके बाद अब ये शुगर अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक चलनी लेंगे और मैदा उसी में लेंगे और चम्मच की सहायता से मैदे को छान लेंगे। हमने मैदा को छान लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको भी अच्छे से छान लेंगे। अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम अपने बैटर में थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध डालकर हमने अपने बैटर को बढ़िया स्मूथ फेंट लिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा बैटर तैयार है। अब हम उसमें दो बूंद वेनिला एसेंस डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें, क्योंकि इसका टेस्ट सबको पसंद नहीं आता है। हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक दूसरे बाउल में आधा बैटर निकाल लेंगे। अब एक बाउल के बैटर में हम ये कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है। बर्तन को अब हम ग्रीस कर लेंगे। बर्तन में ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे जिससे हमारा केक आसानी से निकल जाए। हमने बर्तन में ऑयल लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा भी लगाएंगे। और इसको सब तरफ फैला लेंगे। अब हम इस सफेद वाले बैटर को दो चम्मच इस बर्तन में डालेंगे इस तरह से। और इसको थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे। अब दूसरा वाला बैटर भी दो चम्मच इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। हर बार दो दो चम्मच बैटर एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे। अब इसके ऊपर फिर ये व्हाइट वाला।
फिर ये ब्राउन वाला, फिर इसके ऊपर व्हाइट वाला, ये प्रक्रिया हम लास्ट तक करते जाएंगे जब तक हमारा बैटर खत्म न हो जाए। हमने पूरे बैटर को स्टेप बाय स्टेप लेयर लगा लिया है। अब हम इस तरह से टूथपिक की सहायता से डिजाइन बनाते हैं और बार बार टूथपिक को टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बना है। अब हम केक को बेक होने के लिए रखेंगे। केक हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को पहले से हम प्री हीट होने के लिए रख दिए हैं गैस पर। वैसे तो कढ़ाई में हम बिना कुछ रखे सिर्फ इस स्टैंड को रखकर ही इस बर्तन को रखने वाले थे, लेकिन इस स्टैंड को रखने के बाद हमारा ये बर्तन ढक नहीं पा रहा था, इसलिए हम इस स्टैंड को नहीं रखेंगे। और कढ़ाई में थोड़ा सा बालू हमने रखा है और बालू रखने के बाद इस कटोरे को रखकर हम इस तरह से ढक देंगे और 25 से 30 मिनट पकने देंगे। टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। लगभग 40 मिनट हो चुका है। अब हम केक को चेक कर लेते हैं चाकू। हमारा बिल्कुल साफ है, केक हमारा पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में पलट लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरा मैदा मार्बल केक बनकर तैयार है। केक बहुत ही स्पंजी बना है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, एकदम मुलायम। आप लोग भी इसी तरह से घर में मार्बल केक बनाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मार्बल केक घर में बना के बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए।